बात करते हैं ग्वालियर की, जहां जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुत हद तक यह भी साफ हो गया है कि किस वर्ग का वोटर किस ओर झुका है। ग्वालियर में जिला पंचायत में एसटी एससी वर्ग की सभी तीनों सीटें भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने एक तरफ जीत दर्ज की है। अनारक्षित वर्ग में भी 7 में से 4 पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन ओबीसी वर्ग को रिझाने में भाजपा पीछे रही है। 13 सीटों में से 2 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। अभी तो यह आंकड़ा देखने में बहुत मामूली नजर आ रहा है, लेकिन इससे भाजपा की 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को झटका लगा है। यहां ओबीसी वोटर को वोट में तब्दील करने में भाजपाइयों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिला पंचायत में एक रोचक आंकड़ा यह भी है कि 13 वार्ड में से 9 वार्ड में महिला प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सिर्फ वार्ड में पुरुष जीते हैं। यह भी माना जा सकता है कि जिला पंचायत ग्वालियर अध्यक्ष की सीट महिला की होने के बाद 9 सदस्य भी महिला होने पर इस बार जिला पंचायत में महिलाओं का दबदबा रहेगा। जिला पंचायत ग्वालियर के नतीजे शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दिए हैं। हालांकि ज्यादातर सदस्यों को जीत हार का गणित पहले ही पता चल गया था, पर औपचारिक घोषणा 15 जुलाई को की गई है। यहां आपको बता दें कि जिला पंचायत ग्वालियर में कुल 13 वार्ड हैं। इनमें से 8 वार्ड में भाजपा समर्थित तो 4 वार्ड में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 1 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी है। नतीजे आने के बाद अध्यक्ष पद के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट इस बार एससी महिला के लिए आरक्षित है। एससी के 3 वार्ड और सभी वार्ड में भाजपा ने जीत दर्ज की है। यही कारण है कि बहुमत और एससी वर्ग के सभी वार्ड जीतने पर भाजपा का वोट बनना लगभग तय हो चुका है। जिला पंचायत चुनाव में वार्ड 2 ओबीसी महिला और वार्ड 12 ओबीसी के लिए आरक्षित थे। इन दोनों वार्ड में भाजपा को कांग्रेस ने हार का स्वाद चखाया है। यहां कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भाजपा समर्थित प्रत्याशियों पर भारी पड़े हैं। दोनों वार्ड में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वार्ड 2 में गुर्जर प्रत्याशी तो वार्ड 12 में बघेल प्रत्याशी जीता है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।